मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से खबर है, जहां आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस की ओर से स्थानीय रेणुका स्थित पुलिस लाइन में बलवा मॉक ड्रिल की गई। एसपी देवेंद्र पाटीदार ने एक पुलिसकर्मी के हेलमेट और शील्ड पर डंडे से वार कर प्रैक्टिकल डेमो चेक किया। आपात स्थिति से निपटने के लिए जंबो हेलीकॉप्टर ड्रोन का निरीक्षण किया गया। यह ड्रोन आपात स्थिति में आश्रु गैस के गोले छोड़ने के साथ ही जरूरी सामग्री, भोजन पैकेट, दवाइयां आदि डिलीवर करने में सक्षम है। बलवा ड्रिल सामग्री के साथ मॉक ड्रिल कराई गई। बलवा मॉक ड्रिल का अभ्यास एसपी देवेंद्र पाटीदार की मौजूदगी में एएसपी अंतर सिंह कनेश, सीएसपी गौरव पाटिल ने कराया। गणेश विसर्जन और मिलाद उन्नबी के दो कार्यक्रम अभी आने वाले दिनों में होना है और 15, 16, 17 में वृहद स्तर पर कानून व्यवस्था उसको दृष्टिगत रखते सर के निर्देशन जिले में बलवा ड्रिल का आयोजन भी किया है, जिसमें पूरे फोर्स को किसी भी स्थिति में सांप्रदायिक स्थिति हो या किसी भी तरह के क्राइसिस के अंदर कैसे हैंडल करना है उसके बारे में यहाँ पे रिहर्सल की गई थी। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स निकल के भी आए, उसके बारे में ब्रीफ किया गया, जो कमियाँ थी उसको सुधारने का बताया। हमारे जितने भी रॉयल ड्रिल को हैंडल करने के साधन हैं, गाड़ियों में लगने वाला सायरन हो, जालियाँ हो, हेलमेट, बॉडी गार्ड हैं, टीयर गैस सेल हैं, टॉर्चेस, रस्सा, इन सब का भी निरीक्षण किया गया और इनमें जो कमियां थी जिन चीज़ों में उससे भी अवगत कराया गया। कुल मिला के इस पूरे पर्व के दौरान किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी के साथ फोर्स को यहाँ पर ब्रीफ भी किया गया। हम लोगों ने हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ड्रोन है, जिसमें किसी भी स्थिति में दुरस्त एरिया में हम लोग वहाँ से टीयर गैस सेल के माध्यम से भी सांप्रदायिक या किसी भी तरह के उत्पाती व्यक्ति को हम हैंडल कर सकते हैं, उसका भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। तो बुरहानपुर की पूरी पुलिस आने वाले समय में जो भी त्यौहार और पर्व है उसको सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए तैयार है और निश्चित रूप से हम बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे त्यौहारों को संपन्न करें।